बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं सुबह। आई मैं काफ़ी दिनों के बाद जिम जा रहा हूँ, तो मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि रेगुलरली जाता रहा हूँ ना, तो रूटीन बन गई थी। लेकिन ये फिर बीच में दो चार छुट्टियाँ हुई काम की वजह से, और ये होटल जो स्टार्ट किया है इसकी वजह से, तो फिर क्या नाम है ना, रूटीन ख़राब हो गई है। लेकिन आज से दोबारा जो है ना जिम स्टार्ट कर दी है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में जिम पहुंच जाऊंगा। दरअसल मसला और कुछ नहीं होता, एक दफ़ा आपका जिस्म जो है ना वो सेट हो जाता है और उसके बाद ना फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अब तकरीबन कोई एक हफ्ते बाद जा रहा हूँ, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन खैर कोई नहीं। हमारे यहाँ तो जी मौसम कोई ज़्यादा ही सख्त है, गर्म हो जाता है दिन टाइम। और आपके यहाँ मौसम कैसा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पता नहीं गर्मी जाते जाते अभी तोड़ तोड़ दे रही है। अभी फ़िलहाल मतलब ठीक है, नॉर्मल है मौसम। सुबह का टाइम है, ठंडी हवा है, लेकिन दोपहर के टाइम जो है ना जी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कल भी ज़्यादा गर्मी थी, तो बस ये गर्मियों के कुछ आखिरी दिन ही हैं। बस अब कह लें कि एक आधी बारिश और हो गई तो सर्दियां आ जाएंगी। वैसे तो ये लास्ट जो बारिश हुई थी जिसमें मैंने अपना व्लॉग भी बनाया था, तो सोचा यही था कि अब जो है ना गर्मी का ज़ोर टूट गया, लेकिन गर्मी फिर से आ गई है। बाकी अल्लाह का ख्याल रखें। और मैंने ट्रैक सूट इसलिए पहना होता है क्योंकि वापसी पर पसीना आया होता है बॉडी को, और मैंने जल्दी घर भी आना होता है, इसलिए बॉडी को कवर करने के लिए ट्रैक सूट पहना होता है। और वैसे भी ट्रैक सूट इसलिए पहना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग हो और जिस्म से फैट जो है ना जल्दी बर्न हो, इसलिए भी मोटा कपड़ा पहना जाता है। मैं जिम से फ्री हो के घर वापस आ गया था और अभी दोबारा चिंचा नहीं जा रहा हूँ। मैंने शीट दिया था जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, तो ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि चारा लगाना है, तो उस दिन बारिश हो गई थी, तो बारिश होने की वजह से कोई हफ्ता लेट हो गया। हफ्ता लेट होने की वजह से ना अब दोबारा चारा कास्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर आगे गंदम का टाइम आ जाना है, तो इस वजह से मैंने इरादा कैंसिल किया है। क्योंकि अब जो है ना टाइम पे गंदम लगाएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने गंदम लेट लगाई थी तो एवरेज पे जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो आज इंशाल्लाह जो है ना ये बीज वापस करेंगे और आपको मिलवाएंगे। मेरे दोस्त ही हैं जानने वाले जिनसे मैं बीज वगैरह लेता हूँ, तो चलते हैं फिर गल्ला मंडी में। अभी रोड पे किसी की घोड़ी जा रही है जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना गवर्नमेंट का वो अस्तबल है, तो वहाँ पे हर मंथ जो है ना जो गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन और घोड़ियाँ लाट हुई होती हैं ना, उनकी चेकिंग होती है, उनकी हेल्थ चेकअप, उनका हेल्थ चेकअप होता है। तो शायद ये उन्हीं की किसी की होगी, पीछे मालिक इसका आ रहा होगा और घोड़ी जो है वो जनाब घर को जा रही है। ये एक वफादार जानवर है और उसको अपने घर के राम का पता होता है, तो वो जा रही है, तो मैंने सोचा कि रुक के वीडियो बना लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सीड वापस करने आया हूँ, तो मेरे भाई हैं उबैद भाई, इनसे बहुत हमारा प्यार है, कह लें कि दोस्ती है इनसे, और ये भाइयों की तरह हमसे प्यार करते हैं। तो इनसे सीड लेके गया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैद भाई माजरत के हमने कास्ट नहीं की और सीड वापस आ गया, तो इंशाल्लाह आगे गंदम में आपके साथ ही तावन करेंगे और चीज़ें लेंगे। तो अगर आपको चीचा उतनी में कोई भी चीज़ लेनी हो,
पेस्टिसाइड के रिलेटेड। तो बैद भाई की शॉप है यहाँ पे गल्ला मंडी में। बैद भाई शॉप का नाम क्या है आपका? तो बैद भाई की शॉप का नाम है हाजी सरदार मोहम्मद और ये गल्ला मंडी में ही है। तो अगर आपको पेस्टिसाइड के रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी हो तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ये जी हमारा प्यारा बच्चा मोहम्मद सलार, ये हमारे कज़न हैं भाई अवैस, उनका बेटा है। चलो लाओ चाबी, लो चलें चलें। चाचू असद किधर है? चाचू असद किधर है? चलो चलें बाइक पे चलें। चल लाओ चाबी, लाओ चलें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलें। चाबी से प्यार है जी, गाड़ी को चाबी लगा रहा है। गाड़ी को चाबी लगा रहे हो हैं? गाड़ी को चाबी लगा रहे हो? मैं वैसे ही मिलने गया था भाई अवैस लोगों के घर, तो कभी कभार मुलाकात के लिए चले जाते हैं। तो उसके अलावा मैं चीचा से आटा लिया होटल के लिए, आटे की थैली ली है और अब वापस जा रहा हूँ। तो ये जाके देते हैं वहाँ पे होटल पे और फिर थोड़ी देर सो जाऊँगा। और इसके अलावा आज थोड़ा बादल वगैरह हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है, बाकी अल्लाह का ख्याल रखें। और इंशाल्लाह थोड़े दिन ही रह गए हैं गर्मी के, गर्मी ख़त्म हो जाएगी फिर सर्दियों के दिन शुरू हो जाएंगे। और फिर शाम को अगर टाइम हुआ तो देखेंगे इंशाल्लाह। और होटल पे जो है चाय और नाश्ता वगैरह भी शुरू करना है, तो उसके लिए कुछ सामान लेके आना है, तो वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली जी हमारी ग्रास जो है जी बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है, सिर्फ सिवाय वहाँ पे एक हिस्सा है जो, और इन मुर्गियों से मैं बहुत शदीद तंग हूँ। जब तक वहाँ से ये इधर जाली नहीं लगती तब तक इनका जो है ना राज चलता रहेगा। एक्चुअली इनका डरबा जो है वो है, तो वहाँ इनको बंद करते हैं, लेकिन वहाँ से इनको निकाल दिया जाता है कि घूम फिर लो, तो बस ये फिर घूमने फिरने यहाँ पहुँच जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे काफ़ी दिनों से मैंने शेव नहीं करवाई, तो अब ये ना काफ़ी चुभ रही है, अभी इतनी बड़ी बड़ी रखी नहीं, तो अभी सोच रहा हूँ कि शेव करवा लें। तो देखते हैं अभी, अभी मैं होटल पे हूँ, टाइम लगता है तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे। तो अभी हम होटल बंद कर रहे हैं, तकरीबन 8:15 आई थिंक, मैं टाइम देख लेता हूँ कि टाइम क्या हो गया। 8:15 हो चुके हैं, अंदाज़ा सही था। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।